सरदारपुर तहसील के ग्राम टिक माझिरी के ग्रामीण जन एकत्र होकर विधायक प्रताप ग्रेवाल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मांग रखी कि उनका ग्राम टिक माझिरी ग्राम पंचायत भटिया बैरी से लगा हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत बडली पाड़ा में शामिल किया हुआ है, जिससे ग्रामीण जनों को शासकीय योजना तथा ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों को करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत बडली पाड़ा, जिसकी दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, आवेदन के माध्यम से बताया कि ग्राम टिक माझिरी की जनसंख्या लगभग 374 है। आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं होने से राशन, प्रशासनिक कार्य एवं अन्य कार्य हेतु लगभग 4 किलोमीटर दूर पैदल ग्राम पंचायत जाना पड़ता है, जिससे समय की अधिकता एवं ग्रामवासियों को, दिव्यांग लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे तो ग्रामवासियों का निवेदन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के नवीन परिसीमन के अनुसार ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत भटिया बैड़ी में जोड़ा जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत भटिया बैड़ी से लगा हुआ है या मात्र आधा किलोमीटर दूर ही है। इस परिसीमन से ग्रामवासियों को काफी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। अब देखना यह होगा कि विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन देने के बाद ग्रामवासियों की गुहार रंग लाएगी या ज्ञापन कागजों पर ही बनकर रह जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर ये हम श्रीमान जी सुविधा लेके आए कि हमारी पंचायत अभी फिलहाल में बडली पाड़ा है। बडली पाड़ा हमको आने जाने में 10 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ दत्ती गाँव घूम के जाना पड़ता है। सीधा रास्ता तो कीचड़ है, कोई बूढ़े लोग है, कोई छोटे बच्चे पंचायत के लिए कोई प्रमाणित पत्र के लिए नहीं जा सकता, कोई विकलांग है। इसके लिए हम सारे हमारी अनुमति है कि भाटिया बेड़ी हमारे जुड़ना चाहिए। भाटिया बेड़ी और टिकमाझिरी पास पास में कई भी 1 किलोमीटर का रख फरक है और एक ही रोड पे लगा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ विधायक महोदय जी के यहाँ आए कि हम एक आवेदन दिए कि हमारे भाटिया बेड़ी और टिकमाझिरी जुड़ जाना चाहिए। भाई ये कहने का मतलब है हमारा। आपका नाम? आपका नाम? श्री कुंवर सिंह मोहनिया, ग्राम टिकमाझिरी। Subscribe now to most exciting channel ever.